Very good evening, friends. लास्ट टू वीक में मार्केट ने काफ़ी वॉलेटाइल सेशन रहा, वॉलेटाइल इवन वन साइडेड डाउन ट्रेंड रहा। 10,170 निफ्टी ने 9686 का लो लगाया एंड निफ्टी की जो क्लोजिंग आई वो 9786 के वो आई नियर आई एंड निफ्टी ने एक जो एक इसका सपोर्ट था 9700 का, जो कि मैं लास्ट कंटिन्यू वीडियो में बोलता रहा हूँ कि एक ऐसा सपोर्ट है, अगर निफ्टी ये ब्रेक नहीं करती है एक ये सपोर्ट रहेगा। अगर आप इसको सपोर्ट लेके चल रहे हैं तो ये सपोर्ट एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, ये निफ्टी को एक अच्छा होल्ड मिल रहा है। यहाँ पर निफ्टी अगर ये सपोर्ट पर कंटिन्यू टिके रहती है तो वापस अगेन यहाँ पर मुझे 9957 10,100 का लेवल वापस दिखता है अगेन आने वाले ही वीक में। ये एक लेवल रहेगा जहाँ पर निफ्टी आई थिंक वापस ब्रीच करेगी, लेकिन हाँ अगर 9700 के नीचे निफ्टी आती है तो थोड़ा पैनिक हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा सपोर्ट अगर ये टूटता है तो निफ्टी फिर नीचे में जो सपोर्ट रहेगा निफ्टी को एक फर्स्ट सपोर्ट, देन ये सेकेंड सपोर्ट है जो कि काफ़ी पैनिक कर सकता है 9280-9290 के अराउंड से, कि ये सपोर्ट रहेगा क्योंकि कंटिन्यू अगर आप देखें एक टेक्निकल टर्म में निफ्टी एक कंटिन्यू निफ्टी ने ये एक रैली दी थी निफ्टी ने कंटिन्यू अपसाइड की और यहाँ से ये कंटिन्यू ट्रेड हो रही है अपसाइड में, बट अगर यहाँ पर ये निफ्टी कहीं भी ब्रेक ये यहाँ से कहीं भी ब्रेक होती है डाउन ट्रेंड में 9700 के नीचे क्लोजिंग आती है कंटिन्यू यही क्या दो दिन की क्लोजिंग निफ्टी की रहती है तो निफ्टी डेफिनेटली 9300 का लेवल इजीली अचीव कर सकती है डाउन ट्रेंड में। सो यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा मार्केट मुझे लगता है यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक जाना चाहिए, फिलहाल ये वीक मुझे लगता है काफ़ी अच्छा रहेगा। सो डिपॉजिटों का खैर मुझे लग रहा है कि एक बार 9957-10,100 का लेवल निफ्टी में रहेगा। हाँ अपसाइड के लिए अभी इस निफ्टी को 10-200 के ऊपर अगर जाती है निफ्टी तो आई थिंक सस्टेन होने के चांसेस ज़्यादा है। यहाँ पर सपोर्ट RSI सपोर्ट या ऑसिलेटर सपोर्ट मिल रहा है मुझे, स्लो स्टॉक ऑसिलेटर ने भी यहाँ पर सपोर्ट दिया है तो आई थिंक ये एक थोड़ा अभी ये आने वाला वीक तो मुझे नहीं लगता कि निफ्टी में कोई भी ऐसा पैनिक या कुछ भी दिख रहा है कि फिलहाल निफ्टी गिरेगी, बट यहाँ पर हाँ 9700 का मैं एक लेके चला हूँ अगेन 9700 के नीचे क्लोजिंग में अगर क्लोज होता तो मार्केट पैनिक हो सकता है, ये आप लेके चले कि 9700 का एक स्टॉप लॉस अपना रहेगा जो कि क्लोजिंग बेसिस पे रहेगा, क्योंकि निफ्टी जैसे 9686 का लो लगाया गया जब निफ्टी 9700 के ऊपर क्लोजिंग दी है तो इट्स अ गुड सपोर्ट। नाउ स्टॉक स्पेसिफिक रिलायंस लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, रिलायंस इंडस्ट्री रिकमेंडेशन है बाय में, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रहेंगे सारे ट्रेड्स में, आप पोजिशनल ले रहे हैं या फिर देन आप फ्यूचर में भी ले रहे हैं तो आप प्लीज़ स्टॉप विदाउट SL कोई काम ना करें। यहाँ पर रिलायंस एक अच्छा लगा, रिलायंस ने जो क्लोजिंग दी रिलायंस इज गुड, 9780 रुपये पे रिलायंस है, इसमें स्टॉप लॉस जो बनेगा आपको बहुत छोटा SL बन रहा है, ये SL आप मैनेज कर सकते हैं, इसमें नीचे 760 का SL रहेगा एंड अपसाइड में 880 विजिबल है कि 880 आ सकता है क्लोजिंग बेसिस पे ऐसे लेके चलें। यहाँ पर मुझे 880 तक का ट्रेड लगता है अपसाइड में, एक अच्छा काउंटर है यहाँ पर आप ध्यान रखें, 20 रुपये के SL में 100 रुपये का अपसाइड है। एक रिलायंस बाय में है रिकमेंडेशन में विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और अगर आप लोग बेटर है अगर आप लोग 800 का कॉल या 820 का कॉल ले सकते हैं तो 820 का कॉल बहुत अच्छा रहेगा, पोजिशनल कॉल रहेगा, पोजिशनल कॉल में आप जाएं उसमें एक अच्छा पैसा बनने का आपका चांसेस ज़्यादा है। सेकेंड मुझे रियलिटी काउंटर्स में इंडिया बुल रियल इस्टेट काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, इंडिया बुल रियल इस्टेट पे वर्किंग की जा सकती है। एक
काउंटर मुझे काफ़ी मतलब मुझे लगता है इस काउंटर में कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है, जो आने वाले टाइम में ये हो सकता है 500 से भी ब्रेक कर दे तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि कंटिन्यूशन में इसमें कुछ ना कुछ पक रहा है, वो ऑपरेटर बेस हो सकता है या प्रमोटर का कुछ हो सकता है, बट मुझे फिलहाल लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। कंटिन्यू ये स्टॉक एक अच्छी, अगर आप देखें टेक्निकल टर्म में, अच्छे रैली के साथ प्रॉफिट बुकिंग, फिर अपसाइड, फिर प्रॉफिट बुकिंग, देन अगेन, एंड यहाँ पर तो सपोर्ट भी मिल रहे हैं सारे मेरे ऑसिलेटर के। मुझे लगता है ये स्टॉक एक अच्छा बाइंग हो सकता है यहाँ पर, इसमें एक अच्छी बाइंग ली जा सकती है फिलहाल, इसमें एक अच्छी बाइंग ली जा सकती है क्योंकि स्टॉक काफ़ी वॉल्यूम वाइज भी आप देखें, अगर वॉल्यूम से भी जाना चाहते हैं तो वॉल्यूम वाइज भी स्टॉक में धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर आप प्रीवियस इससे देखें जो यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट हुआ था, इसके बाद इसमें वॉल्यूम जनरेट होना शुरू हुआ है। 200 रुपये का स्टॉप लीजिए, शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस है 200 रुपये का, बट अगर कोई चाहता है कि इसको कैरी करना तो देन डेफिनेटली इसमें पोजिशन बनाना शुरू करें। मुझे 500 रुपये आने वाले टाइम में लगता है पोजिशनल बेसिस पे। राइट नाउ अगर आप लेते हैं तो इसमें 270-280 रुपये का टिल दीपावली तक, आई थिंक आने वाले 2 वीक में स्टॉक इजिली 270-280 का लेवल ब्रेक करेगा, तो एक इससे गुड बाय, यहाँ पे इसमें बाय किया जा सकता है। और 2210 मिलता है, एस एल आप 193 का मैनेज करें, सेफ एस एल रहेगा। टारगेट विल बी 270 एंड 290। ये एक अच्छा काउंटर है, यहाँ पर आप पोजीशन ले सकते हैं। मैं अभी फिलहाल तो सारी जो भी कौन से रिकमेंडेशन कैश में कर रहा हूँ, बट आप लोग पोजीशन अगर फ्यूचर में लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टॉप लॉस रखें, जैसे अगर आप मैनेज नहीं करते तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। देन थर्ड वन इज हीरो होंडा, हीरो मोटो, हीरो मोटर अगेन, हीरो मोटर ने एक शार्प फॉल दिया 4100 से, देन इसका एक सपोर्ट था जो कि उसने सस्टेन नहीं करा यहाँ पर, एंड देन एक सेल ऑफ हुआ जो कि डाउन साइड में 3600 3674 का लो लगाया। नाउ यहाँ पर दो कैंडल में जो वॉल्यूम आया, द सेकेंड वन इज ये जो डोजी बनी है RSI 30 पे, देन इसने एक जो ग्रीन सिग्नल दिया है यहाँ पर, इट्स अ गुड साइन। इसमें मुझे लगता है अभी आने वाले 2-3 दिन में आपको 200 पॉइंट का अपसाइड इजीली मिल सकता है। सो ये एक बाय है, बट इसमें अगर सेफ साइड जा सकते हैं तो मैं एक रिकमेंडेशन करूँगा, मैं एनएस इंडिया पे अगर मुझे 3800 का कॉल मंथ स्टार्ट है तो इट विल बी कॉस्टली, बट सेफ साइड में अगर आप जाना चाहें, क्योंकि अभी जो लास्ट सेल इसमें 25% की सेल इंक्रीज हुई है हीरो मोटोकॉर्प में, एंड अच्छे नंबर से नई मोटर बाइक्स जो आ रही हैं उसमें एक्सपेक्टेशन है दीपावली में इसमें काफ़ी अच्छा सेल आ सकता है। एक रिजनेबल प्राइस की मोटरसाइकिल्स इन्होंने अभी निकाली है, 40 to 45 thousand 125 cc की निकाली है, तो जो कि मुझे लगता है कि बूस्ट करेगी इसके सेल को, तो एक ही अच्छा काउंटर है यहाँ पर हीरो मोटो। क्लोजिंग हाई आई है, लेट्स सी, 3800 का मिलता तो विल वेरी गुड, लेट्स सी 3850 पे जाते हैं हम। हाँ ये गुड, 3850 का हमें यहाँ 76 पे मिल रहा है, एंड आई थिंक कल अगर ये 70 रुपये की रेंज में आता तो आई विल रिकमेंड फॉर बाय। 3850 कॉल नियर 60 to 70 रेंज विल बी गुड, सेल 40, टारगेट विल बी 125 एंड 150, 200 का लॉट साइज है, इट विल बी अ गुड बेट, इस पे आप ध्यान रखें। ITC ऑलरेडी बाइंग रिकमेंडेशन चल रहा है मेरा, ITC में बने रहें, GST का इम्पैक्ट जो जेटली साहब ने अभी कहा है कि GST में कुछ नंबर्स रिवाइज हो सकते हैं, कम किए जा सकते हैं, आई थिंक सबसे मेजर बेनिफिट आएगा ITC
आईटीसी को मुझे लग रहा है इसमें कुछ ना कुछ अच्छे नंबर आने की उम्मीद है। माली को अगेन वेरी गुड काउंटर है आईटीसी के, और माली को काफ़ी अच्छा काउंटर मुझे लगता है कि जो प्रॉफिटेबल हो सकता है यहाँ पे। गोइंग डाउन 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 डाउन, लेट्स सी। के लिए आई थिंक रिलायंस का भी हम देख ही लेते हैं यहाँ पर। चलिए फ्रेंड्स, बाकी जो भी रहेगा मार्केट टाइमिंग में आई विल बी देयर, और मैं सारे अपने जो भी वीडियोज है वो अगेन अपलोड करूँगा विथ स्टॉप लॉस एंड लेवल्स के साथ। वर्किंग करें और अच्छा प्रॉफिट गेन करें, प्रॉपर स्टॉक्स सेलेक्ट करें जो कि आपको आने वाले टाइम में या नियर टाइम अगर आपके पास रह जाते हैं तो भी वो आपको अच्छा प्रॉफिट देकर जाए। कच्चा स्टॉक से दूर रहें। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टमेंट।